फिर क्यों दिमाग खराब कर रखा है? हाँ तो ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात करने का शौक नहीं है। फ्रेंकली पर हुआ क्या ऐसा यार, तुम दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अरे तो मेरा भी दिमाग खराब मत करो क्या यार, मुझे कोई तुमसे बात नहीं करनी है। पता है यार, मेरे को तो कभी कभार लगता है कि यार तुम ना बहुत ज्यादा इमेच्योर हो भाई। मैं देखो, मेरे को कोई बड़ी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। क्या ये चीज तुम्हें पहले नहीं समझ आई थी? मैंने तो बोला ही था ना कि सब कुछ पक्का कर लो, तब तो तुम फिदा हो गए थे। अरे अरे नहीं नहीं वो तो बात अलग है भाई, अब मैं क्या करूँ, तुम शक्ल सुंदर है इसलिए मैं फिदा हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार कोई मैच्योर लड़की होनी चाहिए थी। तुम तो यार, अरे यार फ्रैंकलिन ऐसा मत करो यार, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाँ हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। आई बड़ी सुबह सुबह किट 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 इधर जाना उधर जाना, हर जगह पूछना है। ठीक है नहीं पूछूंगी आज के बाद। हाँ हाँ मुझे कोई शौक भी नहीं है, हमेशा पूछती रहना है बस, हमेशा एकदम से दिमाग खराब करके रखा है बिल्कुल ही। नहीं तो गाइस यार देख सकते हो। अरे यार जाओ ना यहाँ से, बाढ़ पे जाओ, फिर से बात ही मत करना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मेरे को कोई शौक भी नहीं है बात करने का। ओके सो गाइस यार क्या रहा कैसा। अरे अरे क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, गाइस देख सकते हो। अरे भाई मोटू अंदर ना रहा है, मोटू 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 तेरे पीछे सब। अरे अरे कहाँ है, अरे कहाँ है, अप्रैल फूल बनाया मोटू को गुस्सा आया। अरे यार सिंचन भैया, अरे मोटू भैया गुस्सा हो जाएंगे यार। बात अब यार सिंचन ऐसा मत किया कर यार, साफ बाप की डर मत डराया कर। तुम लोग आज पराठे पहले जा रहे हो क्या? उमरी यार मेरे प्रा पराठे पहलने में क्या दिक्कत है? तुम लोग तक वो पराठे पहलो और मोटे हो जाओ, मैं तो जिम करके पतला हो जाऊंगा, स्लिम ट्रिम, देन आई लुक देन आई विल लुक लाइक अ सेक्सी बॉय। ओके सो गाइस मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई है, अगर मेरी इंग्लिश आपको अच्छी लगी है तो एक बटन दबाएं, अगर बुरी लगी है तो दो बटन दबाएं, अगर अच्छी लगी है तुम, अगर कुछ भी नहीं लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। सारा काम वाम हो रहा है, सबका खाने पीने का जुगाड़ हो रहा है, आ गए। अरे ट्रेवर सुन यार। क्या हो गया माइकल? अबे यार सारे पराठे हमें बनाने पड़ेंगे। मतलब? अबे यार सारे पराठे इसलिए हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि यार दिक्कत हो गई है, नीचे शेफ नहीं आए हैं। यार माइकल ऐसे मत बोल यार। अबे यार सच बोल रहा हूँ यार। अबे यार शेट यार, ना तो के तैयार हुआ था, अब पता नहीं कब से कब 200-300 पराठे बनाने पड़ेंगे, हमारे घर की खुराक भी तो बहुत ज्यादा है। अबे अप्रैल फूल बनाया। अबे होए माइकल भाई तू तो यार क्या यार गुस्सा कर भाई, मेरे को तो डरा दिया तूने बिल्कुल भी। अबे हाँ यार अबे मजा आ गया मेरे को तो बिल्कुल ही। और क्या भाई चल मजे वाली बात है तो छोड़ रहा है। अबे फ्रैंकलिन को मैं इमैच्योर लगती हूँ, फ्रैंकलिन को मैच्योर लड़की पसंद है, अगर ऐसा था तो फिर मेरे से शादी क्यों करी? और अब फ्रैंकलिन का मन भर गया तो ऐसे, लेकिन कल तक तो फ्रैंकलिन ठीक था, पता नहीं क्या हो गया सुबह उठते के साथ, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑडियंस देख रहे हो ना आपकी भाभी का कितना रुलाया जा रहा है, फ्रैंकलिन ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं कि। ओ मेरे यार मेरे प्रा भाभी को किसने रुलाया? अरे मैं सबके सामने रहूंगी तो सब लोग ऐसे करेंगे। नहीं नहीं किसी ने नहीं रुला, कोई नहीं, मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं तो ऐसे गाना गा रही थी। मेरी यार भाभी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। अरे अरे हाँ उरी बाबा दिक्कत हो तो हमें बता देना, माइकल भाई ट्रेवल मेरे को बताती हूँ। गाइस आप सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन भाई कितना बेकार हो चुका है यार, तूने ऐसा क्यों करा क्यारा भाभी के साथ? भाई बहुत ज्यादा गलत वाली बात है यार, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो गाइस आज क्या है आप लोगों को पता है ना, आज क्या है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल फूल बनाने का दिन है। तो गाइस मैं ना क्यारा को बहुत बढ़िया तरीके से अप्रैल फूल बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यार पूरा एक साल में एक बार आता है भाई, पिछले बार हमारे साथ क्यारा नहीं थी तो भाई साहब हमने सिंचन हमारी पिंचे के साथ अप्रैल फूल बनाया, इनको गाड़ी वाड़ी से वैसे करा था, लेकिन कोई बात नहीं अब की बार मैं क्यारा को अप्रैल फूल बना रहा हूँ, है ना। तो गाइस यार हाँ यार क्यारा को काफ़ी बुरा लगेगा, मैंने कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी बोले उसको, मैं सॉरी बोल दूंगा बाद में, लेकिन गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे ये मेरा आगे का प्लान सुनकर के ना आप लोग भी बहुत चक्का सुन के पागल हो जाओगे। पता है क्या है आगे का प्लान? अभी मैं जा रहा हूँ फिर बाद में मैं बताता हूँ कि आगे का प्लान क्या है। भाई क्यारा को तो अभी और हर्ट होगा बहुत तगड़ी तरीके से, और क्यारा तो भाई बिल्कुल ही पता है मेरे को छोड़ने ही कागार पे हो जाएगी। गाइस इतनी तगड़ा वाला प्लान है आज का। ये ड्राइवर भैया आपको पता था कि फ्रैंकलिन अगर इस टाइप की लड़की है तो फ्रैंकलिन से मेरी शादी क्यों करवाई? इसमें दोषी माइकल भैया ड्राइवर भैया भी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। अरे तो क्या रो क्या रो क्या बात हो गई, रो क्यों रही हो? माइकल भैया ड्राइवर भैया। अरे अरे क्या बात हो गई क्या रहा, बताओ बताओ बताओ। अरे अरे फ्रैंकलिन को मैं मैच्योर लगती हूँ, फ्रैंकलिन कहते हैं कि उन्हें मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए थी और ऐसे लड़ाई करके भाग के चले गए। अरे किधर गए? पता नहीं, कह रहे हैं कि मैं लड़की ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्या ये बकवास कर रहा है फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन की तो यार अभी बताता हूँ मैं उसको।
मैं जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड के कॉलेज फ्रेंड के पास। तो कॉलेज फ्रेंड को मैंने बोला है कि यार आज तुम मेरे साथ ये नाटक में शामिल होगी क्या, तो भाई मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। अरे यही तो घर है। अरे भाई ये रहा घर, जल्दी पहुँचते इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, घर के अंदर पहुँचते जल्दी से। ये देख सकते हो गाइज, ये जो है ना मेरी फ्रेंड है। हाय फ्रैंकलिन, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, तुम कैसी हो? काफी टाइम बाद मिले। हाँ भाई हाँ। और फ्रैंकलिन ब्रो क्या हाल चाल? बस बहुत बढ़िया। भाई तू सिगरेट क्यों पीने लगे भाई, तेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगता होगा। फ्रैंकलिन मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये पीना ही बंद नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई प्लान पता है ना? फ्रैंकलिन मुझे पर डर लग रहा है यार ये सब करने में। अरे अरे तुम चिंता मत करो, तुम काफी सुंदर हो और आज तुम मेरा ये नाटक में शामिल रहना, ठीक है? चलो आ जाओ चलो। सो गाइस मैं यार इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम है एली। एली मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, ठीक है? हम क्यारा के सामने यार पति पत्नी होने का, पति पत्नी होने का नाटक करेंगे। मेरे को डर लग रहा है यार इस चीज में। अरे एली चिंता मत करो, तुम आओ तो सही, मेरे साथ बैठो तो सही गाड़ी में, हम क्यारा को ना अप्रैल फूल बना रहे भाई, बहुत तगड़े वाला। माइकल माइकल मैं क्या बोलते, बंदूक तैयार रखता हूँ। अबे ओ, अरे अरे नहीं नहीं आप मत, मेरे चक्कर में ऐसा मत करो। क्या रहा, तुम हमारे घर की बहू हो, ठीक है? और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो फ्रैंकलिन को तो क्या, हमारा भाई हो, भाई है ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन ने गलत किया है, ये तुम्हारे साथ गलत किया है। फ्रैंकलिन को तो हम बताएंगे अच्छी तरीके से। और क्या, साले की तो हम अच्छी तरीके से सीधी करते हैं नजर, है ना? ज्यादा बन रहा है अपने आप में। सुन माइकल, बेल्ट निकाल तू। अबे बेल्ट निकाल लेंगे, अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, अभी मैं इसकी वार्ड लगाता हूँ। एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? ओए फ्रैंकलिन क्या बदतमीजी है तेरी ये? माइकल भाई, अरे तूने हमारी फूल सी बहू को ऐसा क्यों करा? अरे माइकल भाई, अरे तूने बहुत गलत किया फ्रैंकलिन, बहुत गलत किया। साले तू घर पे आ, तेरे को कोड़े मारूंगा मैं। माइकल भाई समझने की कोशिश करो। अरे क्या समझने की कोशिश करो, बेटे तू घर तो आ पहले, मैं तेरे को ना सबसे पहले गोली मारूंगा तेरी छाती पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। अरे और नहीं तो क्या, मैं भी मारूंगा साले के। अबे यार क्यारा ने परेशान हो गई, मतलब रो रही होगी, इसी वजह से यार माइकल भाई ट्रेवर भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। माइकल भाई ट्रेवर भाई आज 1 अप्रैल है, आप शांत रहो ना, कुछ प्लान कर रखा है मैंने। क्या मतलब? अरे अच्छा, अरे अरे समझ गए समझ गए। हाँ माइकल भाई आप चिंता मत करो, कुछ जो भी हो रहा है ना भाई, कैसा कुछ भी गलत नहीं है, जो भी आप सोच रहे हो ना क्यारा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप क्यारा को बताना मत कुछ भी, ठीक है? फ्रैंकलिन जैसी तेरी इच्छा, आ जा भाई आ जा, मेरे को तो मजा आएगा। फ्रैंकलिन इतने बुरे है, मैंने सोचा ही नहीं था। अरे अरे क्यारा चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अरे अरे नहीं माइकल भैया सब ठीक नहीं है। हमारी क्यारा भाभी रो कैसे रही है? क्यारा भाभी को किसने रुलाया, कौन है वो माँ? ओए शीशा काली नहीं। अरे यार पर किसने रुलाया क्यारा भाभी, क्यारा भाभी आपको किसने रुलाया, किसने रुलाया मेरे को बताओ, मैं उसकी ना वाट लगा दूंगा क्यारा भाभी। मैं तो यार मैं देखो लास्ट टाइम भी मैंने कितनी गंदी तरीके से वाट लगाई थी क्यारा भाभी, मार दूंगा मैं उसको, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कच्चा फाड़ दूंगा उसका। अच्छा ठीक है, फ्रैंकलिन ने किया है, क्यारा को रुलाया है। अरे अरे फ्रैंकलिन भैया को कौन मार सकता है। अरे अरे लेकिन क्या किया क्यारा भाभी? मेरे को तो लग रहा है यार तुम्हारी वाइफ कहीं मेरे को मार पीट रहे थे। अरे एली तुम चिंता मत करो, तुम काफी ज्यादा तुम भी सुंदर हो, ठीक है? अब मेरी वाइफ से तो सुंदर नहीं हो, खैर क्या मतलब है? अरे हाँ हाँ तुम मेरी वाइफ को देख लेना पहले। अरे हाँ ये बात तो है, तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ तो बस अब उसके सामने यार अब चिंता मत करो। अब गाइस चल रहे हैं भाई, अभी देखना गाइस, हम तुम मेरी पत्नी हो, ठीक है? हम लोग मंदिर से शादी करके आए हैं, ठीक है? ऐसा समझ लो। ओ फ्रैंकलिन ये बात सही है फिर। हाँ तो क्या, चलो भाई जल्दी चलते एली के साथ भाई घर पहुँचते हैं। अब पता नहीं क्यारा का क्या रिएक्शन होगा जब क्यारा का क्यारा मेरे साथ देखेगी यहाँ पे एली को। भाई साहब वो तो पागल हो जाएगी, और मैं उससे जानबूझ करके इसी वजह से लड़ करके आया था। क्या क्या मतलब? अरे यार फ्रैंकलिन को मैं अच्छी नहीं लगती, फ्रैंकलिन को मैं इमैच्योर लगती हूँ, फ्रैंकलिन को मैच्योर लड़की चाहिए। ये कौन सी बात होती है फ्रैंकलिन भैया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने कितने धूमधाम से अच्छे से प्यार से शादी करी थी, शादी करवाई थी, और फ्रैंकलिन भैया ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज नॉट हिज डिसीजन। फ्रैंकलिन भैया को ये सब कोई करवा रहा है, फ्रैंकलिन भैया पे काला जादू हुआ है लगता है। बात अब यार क्या क्या बात हो गई भाई, अबे मेरा नाम क्यों लिया तुम लोगों ने? अरे ओ काला जादू बोला मैंने, कलुआ नहीं बोला। चप्पू तू तो सुनने आ गया यार, चप्पू भी बेस्ट बहुत गलत हुआ है। क्या रहा, चलो फ्रैंकलिन का वेट करते, मैंने कॉल करके बुला लिया, नीचे ही आ जाएगा वो। घर पहुंचने वाला है, अब होने वाला है बहुत तगड़े वाला बवाल। अरे फ्रैंकलिन मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे अरे कि तुम शांत हो जाओ एली, चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा, अभी चल रहे हैं, ठीक है? लेकिन बस हंसना मत बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों का मजाक यार फेल नहीं होना चाहिए। आ जा फ्रैंकलिन आ जा, तेरे को बताते हैं हम। अरे माइकल भाई बता तो दिया, क्यों ओवर रोटिंग कर रहे हो? अरे तो बताना तो पड़ता ही है ना। क्यारा क्यारा मुझे लगता है अब तुम्हारा समय ओवर है, मतलब क्योंकि क्यारा मुझे मिल गई है अपने लिए बढ़िया वाइफ,
और मैं अभी उससे शादी करके आ रहा हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। फ्रैंकलिन तुमने बहुत बुरे निकले, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, आप तो क्या भाभी को देवी मानते थे, ये तो आपने बहुत गलत किया। आप शादी करिए दूसरी, तो मेरी नई वाइफ से मिलो जिसका नाम है एली। एली, अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये तो आपके स्कूल। शिनचैन शांत हो जा। समझ गया, मैं समझ गया। अरे समझ गया ना शिनचैन, अब तू शांत हो जा। क्या समझ गया, क्या बात चल रही है? ये अरे अरे यही बात चल रही है कि मैं हूँ फ्रैंकलिन की वाइफ, तुम कौन हो? अब तुम पहली वाइफ होगी ठीक है, बात अलग है, पर अब मैं हूँ फ्रैंकलिन की रियल वाइफ, ठीक है? अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने की, अब यहाँ से निकल जाओ तुम। क्यारा नाम है ना तुम्हारा, क्यारा, अपने घर वापस जाओ। अब कोई और पति ढूंढो, क्योंकि मेरी तो फ्रैंकलिन से शादी हो गई है, फ्रैंकलिन डार्लिंग है। अरे एली ज्यादा मत नाटक मत करो, परेशान हो जाएगी वो। ऐसे नहीं कर सकता माइकल भैया, आप समझाओ ना। देखो फ्रैंकलिन ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, फ्रैंकलिन मैं बताती हूँ इसकी ऐसी की तैसी। अरे अरे क्या रहा, ये क्या किया तुमने? मैं नहीं, बस मैं, तुमने बहुत गलत किया फ्रैंकलिन मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं जा रही हूँ घर छोड़ करके, माइकल भैया ट्रेवर भैया मैं जा रही हूँ। अरे अरे क्या, सुनो तो सही। अरे क्या रहा, तुमने एली को क्यों मारा? एली मेरी वाइफ है। अरे वाइफ मैं कौन हूँ फिर, मैं कौन हूँ? तुमने बहुत गलत किया फ्रैंकलिन, बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे क्यारा भाभी को देवी माँ मानते थे और हम लोग भाभी माँ मानते थे, अरे आप यार फ्रैंकलिन भैया आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे को तो मैं बहुत मारूं, लेकिन ये फ्रैंकलिन ये तुम्हारी मैच्योर वाइफ लगती है और मैं इमैच्योर हूँ फ्रैंकलिन, तुमने गलत किया है। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन बता दे अब क्या करना है। अरे कुछ नहीं, मैं क्या, मेरी वाइफ को इसने मारा है ना। कोई नहीं भाई, एली एली उठ जाओ, एली सॉरी गलती हो गई है। फ्रैंकलिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उधर खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ एली तुम उधर खड़ी हो जाओ, क्योंकि इसका तो चलता रहेगा ड्रामा कैरी का, प्यारा का, तो भाई ये ड्रामा चलता रहेगा। मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ फ्रैंकलिन, मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है फ्रैंकलिन, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। हाँ हाँ अब गलत तो करना ही था। अरे फ्रैंकलिन यार कितना नौटंकी करेगा। अरे यार माइकल भैया ट्रेवर भैया आपने बोला था कि फ्रैंकलिन आएगा तो बेल्ट से मारूंगा ये करूंगा, अब आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। क्यारा अब हम क्या करें, हम लोग भी अब हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रैंकलिन की वजह से और हम फ्रैंकलिन के लिए अब हम कुछ भी कर लेंगे। अब माइकल भैया आप भी। हाँ 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 अरे यार क्या हो गया आप सब लोगों को, फ्रैंकलिन भैया को सही रास्ते दिखाने की जगह गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। मतलब माइकल भैया ट्रेवर भैया आप भी। अब हम कोई बात नहीं, हम एली को अपनी नई बहू कर देते हैं। अरे कोई कोई खिलौना है क्या, नई बहू इसको रख लिया फिर उसको रख लिया, ये कोई खिलौना हो गया क्या? बाबा ऐसा बोल नहीं, तो क्या भाभी सही कह रही है, क्यारा भाभी हमारी रियल भाभी हो, एली फैली जो भी हो, भाई निकलो यहाँ से, चुप तमीज में बात कर तेरी भाभी। अब भाई साहब तू चुप बैठ जा कलुए, तेरी तो हाइट भी नहीं मैच कर रही वो एली से, दाया बन के क्यों नहीं मैच कर रही है, हील पहन रखी है उन लोगों ने, अबे जा बे टिंगू। अरे फ्रैंकलिन तुमने बहुत गलत किया है। क्यारा तुम देखो वो कितनी मैच्योर है, उसका पहनावा कितना मैच्योर है, और तुम देखो बच्चों की तरह रहती हो अभी भी, बचपना। और मैं जब बाहर जाता हूँ किट 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 करना, कॉल करना, भाई ये सब चीजें मेरे को दिमाग खराब करते हैं, और ये मेरी मैच्योर वाइफ है, ये मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ये समझेगी सब कुछ, और तुम्हारी तो हरकत है। वो तो मैं केयर करती इसलिए करती थी फ्रैंकलिन, गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। माइकल भाई क्या करूँ, रिवील करना साले कबाड़ी करके। हाँ ठीक है क्यारा, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, लास्ट पार्ट सुन लो, ये जो एली है ना, एली है, एली का ना हस्बैंड है। तुम शादीशुदा औरत के पीछे पड़ गए फ्रैंकलिन, छी मेरे को ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना। नहीं 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 मेरी और एली की कोई शादी नहीं हुई है, एली की पहले से शादी है, एली के दो बच्चे भी हैं, एली के पास एक पेट भी है, एली मेरी सिर्फ कॉलेज फ्रेंड है। तो फिर ये सब क्या है? प्यारा क्योंकि आज है अप्रैल फूल, मैंने अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। फ्रैंकलिन तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ दिल तोड़ा। अरे अरे क्यारा कहीं दिल नहीं तोड़ा, अप्रैल फूल बनाया, बुरा ना मानो, देखो सबके साथ मैंने अप्रैल फूल बना चुका है, पर तुम्हारे साथ नहीं बनाया था, तो भाई इस बार तुम्हारे साथ। फ्रैंकलिन पर ऐसा कौन करता है? मैं करता हूँ, और ये एली के तुमने बहुत ज्यादा गंदा मारा चाटा। सॉरी एली गलती हो गई। अरे अरे मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसे करती, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं रेडी होके आई थी कि मेरे घूसा तो पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने दांतों में मैंने वो लगा रखा था, टूथ गार्ड लगा रखा था, जिस वजह से मैं बच गई। अबे भाई साहब एली को भी पूरा एक्सपीरियंस हो रखा है भाई साहब। चलो भाई अंत भला तो सब भला, क्या रहा भाभी, ये तो फ्रैंकलिन भैया की नौटंकी थी। फ्रैंकलिन यार ऐसे क्यों करते हो यार? अरे यार एली
एली मेरी वो स्कूल की हुई। मैं तो तभी समझ गया था जब एली मैंने सुना, क्योंकि एली तो भाई फ्रैंकलिन भैया की स्कूल फ्रेंड थी और इनकी शादी में भी हम गए थे, तो भाई मैं समझ गया कि फ्रैंकलिन भैया अब क्यारा भाभी का अप्रैल फूल बना रहे हैं। हाँ क्यारा भाभी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता भाई। और क्या, फ्रैंकलिन हमारा बहुत ज़्यादा संस्कारी है, ऐसा कभी नहीं करेगा, और करेगा भी तो फिर जो फ्रैंकलिन है वो तो हमें बता दिया, नहीं तो हम लोग कूट रहे थे इसको। और क्या क्यारा, माइकल भाई मेरे को कूटते थे बहुत तगड़ी तरीके से। माइकल भाई क्या, ये ट्रेवर भाई कम थोड़ी है, ये भी बहुत गंदा कूटते भाई मेरे को। हाँ क्योंकि तुमने काम ही कुटरे वाले कर दिए थे। हाँ वही बात है भाई, कुटरे वाले काम हो गए थे तो कुटरे वाले ही हो गए। तो चलो भाई यही था अप्रैल फूल, मैंने क्यारा को किस तरीके से अप्रैल फूल बनाया। गाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताना, वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर देना ऑडियंस सर, है ना। यार मजा आ गया फ्रैंकली भैया ये वाला अप्रैल फूल देख करके। अरे चलो अब पार्टी वार्टी करो। उम्र यार मेरे प्रा, मुझे पता था प्रा फ्रैंकली भाई कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन भाई सब मुझे शक हो गया था कि भाई तू कुछ गलत करने जा रहा है। क्यारा भाभी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। और क्या फ्रैंकलिन, कोई बात नहीं क्यारा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसे हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। क्या कर रहा है, महीनों के साथ ही हम साथ। अबे साला ना साल बोल रहा है, ना दिन बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है, क्यारा महीनों के साथ ही। तू क्या बकवास कर रहा है? अरे महीनों के साथ ही मतलब, अरे यार चुप बैठ जा हाथी। अरे ठीक है यार, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, तुमको अच्छा नहीं लगा तो हमको तो मजा आया। आपको मजा आया तो यार आपने तो यार बहुत गलत कर दिया, क्यारा भाभी का तो एक अटैक सा पड़ गया था ना पीना। अब भाई एली को और क्यारा को भाई घुमा के लाते हैं, ठीक है ना, आइसक्रीम भी खिलाते हैं और एली को भी अपने घर छोड़ देते हैं, है ना। तो एली को भी तो भाई अपने बच्चों के साथ अप्रैल फूल बनाना है। मेरे बच्चे तो अभी उधर गए हैं, स्कूल गए हैं, तो स्कूल से जब आएंगे। क्या पहले अप्रैल को स्कूल भेज दिया? अरे वो पापा के साथ गए अपने, वो सुट्टाबाज पापा के साथ। अरे यार तेरा पति भाई तेरा वो ही है ना जो तेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था एली। अरे अरे हाँ एली, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था वो ही है तुम्हारा क्या पति? हाँ बदकिस्मती से मेरे को अट्रैक्शन प्यार लगने लगा, उस चक्कर में मेरी उससे शादी कर ली मैंने, और मैं अभी तक पछता रही हूँ। अरे भाई हिमावारी हंस क्यों रही है तू? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मुझे ये सुन करके ना बहुत ज्यादा मजा आता है। अरे तो भाई तू ऐसे मत हंसा कर, डरावनी हंसी लगती है। और नहीं तो क्या, दूसरों के कलेश में ना हिमावारी सबसे ज्यादा मजे लेती है। अरे यार हिमावारी, यार तू भी क्या बात करती है यार, हिमावारी तू भी कैसी है ना। अरे अरे फ्रैंकलिन यार आज तो मेरे को डरा ही दिया था। कोई नहीं कह रहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एली का घर कौन सा है, एली के हस्बैंड कौन है, और एली के एली के मम्मी पापा भी साथ रहते हैं, एली के दो बच्चे हैं, है ना। और क्या भाई, मैं इसलिए कि भाई एली सुंदर है तो भाई मैच्योर है तो भाई और क्यारा के साथ ऐसा नाटक करते हैं। यार मैं आपके बारे में सतर्क रहूंगी, मेरे को पता ही नहीं था कि आज 1 अप्रैल है, तो मैं मेरा उल्लू बन गया। हाँ भाई हाँ, अरे माइकल भाई कितना तगड़ा उल्लू बना है क्यारा का। और क्या फ्रैंकलिन, ये बात तो है। अरे अरे फ्रैंकलिन ये जगह तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ तो यहाँ पर ही एली का घर है, यही घर है एली का, है ना। हाँ यही है, यही है, यही है। हाँ फ्रैंकलिन यही तो है यार, तुम भूल गए मेरा घर। अरे नहीं नहीं यार, क्या एली याद है। फ्रैंकलिन आओ ना चाय पानी पीते हैं। नहीं 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 नहीं, चाय पानी पीने का कोई टाइम नहीं है, हम लोग भी अपना कहीं जा रहे हैं घूमने। भाई क्यारा को नाराज कर दिया तो भाई मनाना भी तो बनता है ना भाई, क्यारा को मनाएंगे अपना। और क्या यार, बात सब यार, और नहीं तो क्या फ्रैंकलिन यार घर तो बढ़िया ही है। हाँ स्विमिंग पूल नहीं है तो काय बात का बढ़िया, लेकिन मुँह पे नहीं बोल सकते ना। क्यारा जैसी लड़की दिख रही है वो, फ्रैंकलिन क्यारा जैसी लड़की कहाँ है? अरे भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, हाय मिस। ओ मिस बता दूंगी अभी। अरे सॉरी क्यारा, गलती हो गई। अरे भाई साहब ये तो एली की छोटी बहन है, मैंने गलती से उसको फ्रैंकलिन यार, फ्रैंकलिन भैया कैसे हो? अरे भाई साहब वो मेरे को भैया बोल के जा रही है। फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन वो मेरी बहन है तो तुम्हें भैया ही तो बोलेंगी ना। हाँ एली ट्रू, चलो भाई चलते हैं। अरे अरे फ्रैंकलिन बैग, अरे बैग ले जाकर के किधर जा रहा है? फ्रैंकलिन सर अपनी रेंज रोवर किधर ले जा रहे हो? रेंज रोवर बैग ले जाके मैं देख सकता हूँ कि भाई ये इधर से किधर जा रही है। ओ भाई मैं तो पतली गलियों में घुस गया। फ्रैंकलिन ये गली ना मुझे बड़ी डेंजर लगती है। तो तुम आई हो क्या? अरे नहीं मतलब पतली गलियां होती है ना, पतली गली में क्राइम्स होते हैं, मेरे पापा हमेशा से बोलते थे कि इसके अंदर कभी मत जाना। अरे अब हम ही साथ में तो हम ही साला क्राइम है। और हम ही साला क्राइम है, क्राइम बोल रहा अपने आपको। और क्या, और गाइस यार ये थोड़ी रेंज रोवर पहला न्यू वाली सफारी की तरह नहीं लगती? अबे नहीं न्यू, ये हैरियर की तरह लगती है, न्यू वाली हैरियर की तरह। गाइस न्यू वाली हैरियर चाहिए क्या? कमेंट बॉक्स में लिख दो यार जल्दी से, न्यू वाली हैरियर चाहिए तो न्यू वाली हैरियर भी लेकर के आएंगे। अरे यार ऑडियंस आज तो फ्रैंकलिन भैया की कोई भी बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि आज फूल बनाने का दिन है तो ये अप्रैल फूल जरूर बनाएंगे। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, समझ गया मैं। ओके
किधर चले फिर? अरे फ्रैंकलिन भैया सिस्टम हैंग कर दो आज किस चीज का? अरे यार आज आइसक्रीम पार्लर ले चले, वहाँ पे साला आइसक्रीम ही भर भर के खाऊंगा, देखना वो आइसक्रीम ही खत्म कर दूंगा मैं पूरी तरीके से। भाई काफी दूर है लेकिन वो आइसक्रीम पार्लर। अरे पर मेरे को लेकर के चलो ना यार, आई लव आइसक्रीम। हाँ ठीक है चल भाई, ओके फ्रैंकलिन मुझे भी आइसक्रीम ही खानी है, मेरा दिमाग ठंडा करना है। हाँ भाई अभी बताऊंगी मैं घर जाके तुमको। अरे भाई क्या रहा, तो बहुत गुस्से में वो, तो माइकल भाई ट्रेवर भाई की वजह से नहीं बोल रही है। अरे अरे हाँ हाँ क्या बात हो गई, माइकल भाई ट्रेवर भाई मेरे साथ ही रहना यार, क्योंकि क्या रहा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है भाई, ये मेरी वाट लगा देगी बहुत तगड़ी तरीके से, है ना भाई, बहुत बुरी तरीके से वाट लगा देगी। बाकी ऑडियंस अरे हट जाओ भैया। अरे सर जी रास्ता मत तोड़ो, हमको तोड़ोगे तो पड़ जाएगा बोड़ो। क्या बकवास कर रहे हो भाई तुम लोग, पागल ही हो गए हो क्या? ओके सो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम लोग, कहीं नहीं पहुंचे, क्यारा भाभी का पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं बस। अरे हाँ क्यारा का पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, और ये साइमन से ना कल हमें कुछ ज़रूरी काम है, वो ज़रूरी काम तो गाइस कल के एपिसोड में पता चलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है आप सभी लोगों के लिए, सॉरी आप लोगों का डिमांड है, और आप लोगों को लग रहा था कि फ्रैंकलिन भाई ये डिमांड तो कभी पूरी कर ही नहीं सकते, तो भाई यार इस हफ्ते की वही डिमांड मुझे पूरी करनी है, तो वो डिमांड आपको कल या परसों के एपिसोड में ज़रूर से पता चल जाएगा, है ना गाइस? और जब आपको पता चलेगा तो आपकी आगे भी फटी की फटी रह जाएंगी जैसे सिंचन की फटी पड़ी है। अरे क्या बकवास कर रही हो, वो बंद कर। ओके सो गाइस ओ सो आज तो पुलिस स्टेशन पर है फ्रैंकलिन भैया, चलो ना जहाँ बोला है उधर लेकर के चलो ना। आ गए हैं भाई आ गए हैं, तू चिंता काई को करता है रे। अरे यार चिंता काई को ना करूँ यार, मेरे को आइसक्रीम खानी है, आई लव आइसक्रीम फ्लेवर। हटो यार हटो जल्दी से हटो। अरे फ्रैंकलिन सर, अरे फ्रैंकलिन सर, अरे फ्रैंकलिन सर हम बुड्ढा बुजुर्ग है। अरे तो बुड्ढे बुजुर्ग हो तो हटो रास्ते से। ओके सो गाइस पहुंच गए हैं आइसक्रीम वाले एरिया पे, खाओ भाई खाओ पियो ऐश करो मित्रों, आइसक्रीम तो तोड़ के लायो ना। तो फाइनली गाइस आइसक्रीम खा ली और वेलार निकाली अपनी। फ्रैंकलिन सर क्या गाड़ी है आपके पास? क्या गाड़ी है? वेलार है। अरे मतलब क्या गाड़ी है? अरे वही तो बोल रहा हूँ वेलार है। अरे ओ बेवकूफ, ये पुराने जोक हो गए हैं, वो पूछ रहा है कि वो बोल रहा है कि क्या बढ़िया गाड़ी है। अरे नहीं सर मैं ऐसे नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ क्या गाड़ी है ये। हाँ तो बोल तो रहा हूँ वेलार है, माइकल भाई आपकी बेइज्जती करते हैं उसमें, साले पता नहीं किस प्रजाति के लोग रहते हैं लॉस सैंटोस में, भेड़िया प्रजाति के। हाँ अबे ओए कलुआ प्रजाति के भी रहते हैं। माइकल भाई आप किसको कह रहे हो? नहीं नहीं क्यारा कुछ नहीं बोल रहा मैं। माइकल भाई आप नहीं बोल सकते क्यारा के सामने? क्यारा भाभी के सामने कोई बोल सकता है क्या? सिंचन बहुत पुराना हो गया, पका मत यार तू अब। अरे अरे फ्रैंकलिन क्यों मेरी तारीफ बुरी लगती है? तारीफ बुरी नहीं लगती बस। ओके वो देख सकते हो अपनी रेंज रोवर कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है वेलार। तो गाइस चलो भाई इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अब घर पहुंचेंगे क्या दिखाएंगे आप सभी लोगों को इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।